Richa. Hi, I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. So, हमारे फेवरेट यंगस्टर कौन? मुझे नहीं पता था ऐसे बोलना. यंगस्टर. Okay. Yes, so we're back again. I think हम यंगस्टर्स तो कुछ ना कुछ करके आ ही जाते हैं. Yes, and we get so excited because क्योंकि जब हम करते हैं तभी ये हो पाता है कि अब ये गाना हम सुन सकते हैं आराम से. एग्जैक्टली तो हमें यंग सिंगर्स बहुत पसंद आया है, बिकॉज ऑफ विच हम हर थोड़े दिन में यंग सिंगर्स पे आ जाते हैं, भले कोई रिकमेंड करे कि नहीं करे. But it is something we absolutely love. Something even you guys absolutely love because yes. They are amazing. Yes, I think बहुत लोग बोलते हैं casually कि young singers पे करो, young singers. हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है guys. हम किए जाएंगे, आप टेंशन मत लो. हम young singers को नहीं छोड़ने वाले. Because we love it. So we love it. Yes. We are going to react on something जो हम last year पूरे साल थे. This quarantine tension इतना है कि इस साल भी ना हो जाए. तो we are back on young singers और इनका गाना है quarantine. I'm sure इसके अंदर थोड़ी lockdown की बातें शायद होने वाली है. I guess. We guess and it can be anything. Anything बस just. So there's a new name which has come up which is Krishna and we have no idea कौन है वो. So Tanha Anjum Tanha Yunus plus Krishna and आगे बोलना. Quarantine youngster. Let's start. Yeah. Why, Anjum? Is that dollar sign shit? Young stunners. Yunus? Tumbi? Delhi se Karachi. Yeah. ये बजेगा गली के नाके पे, ये बजेगा तेरे इलाके में, ये बजता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लौंडे डिफॉल्टर भागेंगे. हम उल्लू हैं, रातें भी जागेंगे. हम वाइज हैं बेटा, हम वाइज हैं. तू रियल है तो हम भी नाइस हैं, तू रियल नहीं तो हम भी चौड़े में. जो नस्ली नहीं मेरे लोड़े पे, थोड़े से बीफ से घबरी जो हो रहे थे. आंखें खोल के ये सब्र पर सो रहे थे. बातें चोदने से बच्चे नहीं होते. वे खेओ माय चेस्ट, खेओ माय चेस्ट. हम देसी हिप हॉप के नशे में, वी रैपिंग इट चेक्स. खेओ माय चेस्ट. मीडिया के लांचों से बचे हुए दिल में सब रख के ये माइक पे फटेंगे. सिलेबस की तरह सिलेबस रटेंगे. या मैजिकल बेटा कलम में जादू है, रुकता नहीं बेटा ये कलम बेकाबू है. खुद का नहीं तेरा ये जिन्हों की आमद है. कुछ दिनों में फिर आने सबकी शामत है. ये हम आकते तेरे इस्तेमाल की बाजे अलामत है. You know. मेरे साथ कितने साल से तलहा यूनस. 8x स्कोप जैसा फोकस ब्रो. मैं तो मेरे लिल होमी से भी इंस्पायर्ड हूँ. रफ चाइल्डहुड लेकिन भाई लाइफ्स गुड. स्टूडियो ही घर, चर्चे और फास्ट फूड. 24 घंटे रेडी मदरफकर, लेट्स डू इट. जब मैं तेरे जैसा नहीं तू मेरे जैसा क्यों है? मारे तूने मिस फायर, अभी तेरा राउंड खाली. तेरा सर पैर भाई भाई पूरा साउंड खाली. काम भारी नहीं, तेरा काम भारी नहीं. जितने मेरे खर्चे तेरी आमदनी नहीं. तेरा नाम होगा लेकिन काम मिले नहीं. किस काम का वो नाम जिसका दाम लगे नहीं. तेरे साथ वाले तेरे साथ लेकिन तेरे सगे नहीं. मदरफकर यू नो. से निकले खजाने से सच के मानो से पी रहा पानी. से काबिल नहीं दुनिया ये, फिर भी हमारे नहीं लाया गवा भी नहीं. ये तो गवारे वे अंधों में गाने हैं. बीटों पे पब्लिक नचारे, कहते मचारे. अबे चुप हम उजाले, तुम सस्काले. मेरे गाने सुने वाले जाने जाने. एक लाए हम जैल नहीं भाई. टाइम दिया भाई, ग्राइंड किया तेरा. टाइम क्या करूं मेरे वाइंड क्या करूं. कैसे टाइट किया तेरी हाइट से ज्यादा मेरी हाइट. प्यार बॉर्डर पार से भी मिले प्यार. अल्फाज से द नाइटमेयर्स. स्लीप टाइट करूं रिप्लाई. आई एम अ बीस्ट बाय शोइंग पीस साइंस. लुक एट मी बॉय सेल रैपिंग स्ट्रीट्स लाइक क्लाउड बाय. नेवर डू इट फॉर द क्लाउड. ए जी स्टाइल. वो तारे से जो मारे नहीं हमारे नहीं. वो कहते थे म्यूजिक में पैसा नहीं, पर हम कमा रहे. शो बजा रहे मिलके खा रहे. तुम निकाले सिंपथी पे ये कमा रहे. खुदा मुझे बचा ले. ये कला मेरी गवाह है. ये बता दे कौन है मेरे दुश्मनों की राय. लेने वाले भी गुमराह है. मुनाफिकों की इज्जत अपने माशरे में काए. ये फ्रॉड बनने चले गॉड. सोचा दिन का वक्त बदल दूं, हक बदल दूं, सब बदल दूं. लेने पे आता तो बालों के मैं रंग बदल दूं. लंड पे चढ़ बोलूं मैं तेरे हम शक्ल को. कम अकल पहले ये फ्लो पकड़ तू छोटे वरकू. कलमकार ये बास मेरे अलमनाक. शरद पार भी वाकिफ अवाम जानी खबरदार. बिग एल जैसे ऑफिस बिन अफाउ शायद मेरे बैव ना. तुम सो हाई ना मेरी बारी बैक ब्लाउ. मैं हूँ वाइट क्लाउड वाला बैठा क्लाउड लाइन. जब भी मेरा वर्स बजे कीप द म्यूजिक लाउड मैन. 2020 चौके ऑन द बीट. लेट मी प्रीच आई शुड ईट रैपर जैसे राजे को जरूरी चीज. पहले सीख छोटे फिर आना तू बीट पे. बातें गहरी जैसे खंदक. रेफरेंस कीप ये तो ला तू फीकर. चीनी कम मुझे तो मीठा पसंद नहीं. हाँ कृष्णा के नाम से सड़े ये जैसे इंसानों को गीता पसंद नहीं. हाँ जलती है इनकी हर सुबह तो बोले ये हमको तो तीखा पसंद नहीं. हाँ आई गॉट दिस रैपर सो सॉल्टी. लगता है मुझको अब फीका पसंद नहीं.
They don't wanna fuck with the boy. I meri babe to wo sabko do boy. Mere enemies mere sapno mein roye. Sare naram hai galoti jaise Lucknow mein hoye. Karachi se Delhi ye sofa hai. Befazool lungi karte jaise nota hai. Chain nahi milta tu itna kyun rota hai? Suna teri jaat ka hota hai chhota hai. YS dollar sign combined hai Columbine ya na hai borderline. Jab saath hai all a kind of grinding all the time. My life on the line. Karu now ya swine main to karu quarantine. Yeah I got the nine and I'm ready for the retake. Janam dino roz ko I just wanna see cake. Mere liye ek hi Calvin wo hai Brodus no CK. Already legendary karu weapon carry jaise military. Main to waqai inhe maut dun. Always secondary tu hai dead and buried. Seedha cemetery jaake fatafat pahunch tu. Pad hai sanitary tere liye necessary jaise veterinary mere aage bhonk tu. मेरे एडवर्सरी जाते मैं तो रहता वेरी शिट इज कैरी अगर आगे करे मेरे डॉट लॉक टू बेस्ट इन द गेम और इसमें दो राय नहीं अपनी बातें मैंने अब तक दोहराई नहीं घोड़ी बनाया पर मैंने दौड़ाई नहीं मेरा तो हारने का कभी दोहराए नहीं समझ नहीं आए मेरे लव पर आ रूंगी तो शिट जैसे हुआ मुझे कब ये स्टूडियो गैंगस्टर्स माइक पे अड्डा पाया फाइट तेरे इन्हें ऑन साइट पे भी रफ माय गॉड दिस इज टू मच टू टेक बाप रे सब एक सांस में ओह माय गॉड दिस वाज टू रफ मुझे लगा क्वारंटीन के बारे में बात करेंगे कोविड के बारे में बात करेंगे समथिंग रिलेटिंग टू द लाइव्स जो हमारी चेंज हुई है लेकिन ये क्या था ये बम था मतलब ये क्या एक साथ एक सांस में कितनी बातें बोली मेरे को तो आधी ऊपर से गई है ट्रस्ट मी बिकॉज इट वॉज सो क्विक थकान हो रही है सो वी हैव अ हैबिट ऑफ एंड वी हैव अ हैबिट कि हम यंग सनर्स को सुनते हुए बहुत चिल करते हैं बिकॉज उनके लाइंस बहुत चिल्ड होते हैं मतलब यू नो लोफाई एकदम चिल हम पूरे उसी मूड में ये चिल करेंगे वरना हम कभी ऐसे पानी नहीं रखते साथ में बिस्किट बिस्किट सब पड़ा कि हम चिल करेंगे ये गाने ने तो ऐसे रखा था कि क्या बोला अरे क्या बोला पूरे टाइम ऐसे शिट द लिरिक्स वाज सो क्विक एंड हम प्रिपेयर नहीं थे दे हैड इंडियन क्रू कृष्णा शायद इंडियन सिंगर है शायद तक आई जस्ट हैव अ फीलिंग मे बी नॉट इंडियन क्रू स्पेशल थैंक्स मोमोज पॉइंट सुभाष नगर न्यू दिल्ली मे बी ओह माय गॉड वाओ वी डोंट नो द रेफरेंस मे बी आपको पता होगा तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन टॉकिंग अबाउट द लिरिक्स मेरा गला दुख रहा है बिकॉज मेरे कान हो रही है It was so quick. It was unlike youngsters. जितने हमने अब तक गाने सुने youngsters. It was very rough. It was very raw. On your face, like it was like a diss track. Yes. पूरी वो feeling थी. एक diss track वाली feeling थी. Vibes वो थे पूरे. वही autos वो दो 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 दो. And it was मतलब ये क्या था? This was like हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंगस्टर्स भी ऐसा रैप करते थे क्योंकि हमने जितने उनके पहले की वीडियोस देखे थे इट्स काइंड ऑफ लोफाई चिल आराम से एक अपने अंदाज में उनका रैप होता है लेकिन दिस वाज अ प्रॉपर रैप कि हम जैसे रैप सुनते हैं लाइक आई गेस ना यंगस्टर्स होते टाइम में बताने चाहते हैं कि दिस इज रैप So we are doing it. So hear it out, guys. Yeah, हम ये भी कर रहे हैं. ये भी है. Check out. Yes. But I think मुझे उनका normal lo-fi style बहुत ज़्यादा पसंद है. क्योंकि ये raps के लिए ना आपको बहुत on your like toes होना पड़ता है. You have to be like, okay, what did he say? क्या मतलब references इतने quick होते हैं ये raps कि आपको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है to understand the whole rap. एंड काफी सारे वर्ड्स मिस आउट कर देते हैं हम काफी सारी चीजें उल्टी फुल्टी हो जाती है तो ये रैप एक्चुअली ये हमारा जॉनर नहीं है ये प्रॉपर रैप्स हमारा जॉनर नहीं है इसलिए आप लोग ने देखा होगा हम लोग ने कोई ज्यादा प्रॉपर रैप्स अब तक हम लोग गए नहीं क्योंकि हमें दैट्स अ लिटिल दिस फॉर अस या एंड वी हैव टू बी लाइक यू नो जैसे हमने बताया आप सबको कि हमें थोड़े चिल म्यूजिक ज्यादा पसंद है तो हमें यू नो ये हम इसके लिए ये नहीं था मैं क्या बोल रही हूँ इट वॉज वेरी नाइस बट इट वॉज नॉट फॉर अस इट वॉज Not like youngsters, so it was more like a very unexpected thing. अरे बाप रे! But I appreciate the fact कि good to see ये side. Yeah, because हमने witness नहीं किया. हमारे reaction अलग है. एक chill, एक class अलग, एक अलग ही चीज. लेकिन actually इस बार अंजुम का हमेशा से यही अवतार रहा है. यूनुस बाबा. वो टेबल में बैठ कर क्या मुझे आधी बातें तो समझ नहीं आई
लेकिन हमें काफी चीजें बिकॉज आप एक सेकंड आप जब रैप सुनते हो आप प्रिपेयर्ड होते हो कि ठीक है मुझे इस टाइम पे मैं ऐसा म्यूजिक सुनने वाली हूँ या वाला हूँ. मुझे लगा क्वारंटीन होती है ना थोड़ा एक चिल जाएगा जैसे नॉर्मली यंग सिंगर्स का जाता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे. अरे आधे गाने बाद वो ऐसे कलेक्ट हो पाया रजिस्टर हुआ कि हो रहा है ये तो कुछ और ही चल रहा है ये यंग सिंगर मतलब पूरा टाइम पढ़ना पड़ेगा क्या चल रहा है क्या क्या बोल रहे हैं वो लोग क्योंकि इतने क्विक मतलब कैसे यार तुम एक सांस में इतना कैसे बोल पाते हो. मैं रिव्यू देने के टाइम पे भी 100 बार करती हूँ. ऐसा भी हो सकता है ना कि कृष्णा ने इंडिया में शूट करके उन लोग हाँ, जब तुमने बताया कृष्णा के बारे में मुझे तो वही लगा कि कृष्णा ने इंडिया से शूट किया है यंग सिंगर्स ने. अगर कृष्णा इंडिया को बिलोंग करता है तो यस आई डोंट नो इतना न्यू दिल्ली और सब है इंडियन क्रू के बारे में मेंशन किया. मुझे इतना याद है कि लखनऊ वर्ड यूज हुआ था और दिल्ली का तो मैंने लाइन सुन ली लेकिन लखनऊ की मुझे लाइन रजिस्टर नहीं हुई दिमाग में. तो आई थिंक कुछ रेफरेंसेस दिए होंगे इसलिए थोड़ा सा कैमरा प्लेसमेंट मेरे लिए लाइंस को थोड़ा ब्लॉक करता है. तो मैं थोड़ी देर तक सोची मेरे को थोड़ी देर शुरू में तो लगा ठीक है शुरू के थोड़ी लाइंस समझने की ट्राई करती हूँ बाद में वो लोग अपने फॉर्म में आ जाएंगे. नहीं आए एक्चुअली जहाँ पे कैमरा प्लेस होता है वो रिचा के एंगल से लाइंस ब्लॉक करता है. बट मैंने पढ़ा मेरे को फिर भी रजिस्टर नहीं हुआ. जिनका रैप जॉनर नहीं है जिनको सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है जिनको स्लो पसंद है मतलब उन्हें अलग चीजें पसंद है जिनको रैप ज्यादा वो सुनते नहीं है वो हमसे रिलेट कर पाएंगे. बाकी प्लीज यार स्पैम गलत चीजें मत बोलो. आई एम श्योर बहुत लोग बोलेंगे. कुछ और भी बोलना था बोल रही यार मेरे को अब तक वही हो रहा है कि यूनुस कितने अलग लग रहे थे इसमें. यूनुस को अपन शुरू में स्मोक करते देख के कह रहे थे यूनुस आप भी हाँ यूनुस तो पूरी आप भी क्या यूनुस ये क्या अंदाज था बीच बीच में क्या एग्रेशन वाला ऐसे ऐसे. एक्चुअली रैप बहुत डिफरेंट बहुत डिफरेंट प्रॉपर प्रॉपर हिप हॉप काइंड ऑफ थिंग. हाँ प्रॉपर हिप हॉप करेक्ट एकदम प्रॉपर हिप हॉप था और वो बीट्स भी एकदम हिप हॉप वाली एकदम फास्ट एकदम क्विक मतलब सुनने का टाइम नहीं देंगे आपको इतना फास्ट बोलेंगे ट्रस्ट मी. वो मतलब कैसे बोल सकते हो यार इतना याद कैसे रहता है. वो वाला स्टाइल अमेजिंग लगा वो रैप के बीच में वो वाला बीच में जो था वो काफी अच्छा लग रहा था. यस इट वाज गुड. सो यस गाइस वाइंडिंग अप बिकॉज़ वी आर स्टिल इन शॉक. ओके यंगस्टर्स भी ऐसे रैप करते हैं हमें ये ऐसे कम स्पीड में प्ले करके देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा थोड़ा. एक्चुअली कि हम बहुत समझ पाए बिकॉज रैप्स आर नॉट आवर काइंड. हम ज्यादा रैप्स नहीं सुनते हमें यंग सिंगर्स इसलिए पसंद है बिकॉज उनका एक स्टाइल डिफरेंट था लो-फाई स्टाइल था लो-फाई रैप था बहुत अलग था. यस गाइस थैंक यू सो मच इन्होंने रिकमेंड किया. थैंक यू फॉर ऑल द लव. कीप शोइंग लव. टेक केयर. बाय बाय बाय.